सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट के अपडेट के ऊपर बात करने वाले। लिस्ट काफ़ी लंबा है क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ईयर ड्रॉप एंड लिस्टिंग को लेके काफ़ी सारा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे ये नहीं पता कि इस वीडियो के अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट को मैं इंक्लूड करूँगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट को इंक्लूड करूँगा, लेकिन गारंटीड है आप लोगों को 4-5 प्रोजेक्ट के अपडेट्स इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। एंड आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कौन से प्रोजेक्ट को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने इंक्लूड किया है। ओके, तो थंबनेल के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइन किया तो आप लोगों को ऑब्वियसली अपडेट्स को यहाँ पे फॉलो कर लेना है। ओके, लेकिन वीडियो को आप कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे आप लोग सबसे पहले तो देख ली, यहाँ पे जस्ट मुझे $94 का प्रॉफिट गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $91 का प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे तो ये मैं आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। ये आप लोग देख ले, यहाँ पे एक बंदे ने ₹7,000 का यानी कि $86 का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। सेकंड यहाँ पे आप लोग देख ले, एक बंदे ने यहाँ पे $170 का प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक बंदे ने यहाँ पे $91 का प्रॉफिट बनाया है। एंड ये जो सारे प्रॉफिट्स हैं ये किसी ईयर ड्रॉप से नहीं, ये बल्कि इवेंट्स के थ्रू हम लोगों को मिला है। एंड इस टाइप के इवेंट को, इस टाइप के प्रॉफिट को अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते तो आप लोगों को ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम में आके ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं ये ना तो आप लोगों को यूट्यूब के अंदर कहीं पे मिलने वाला है और ना ही मैं खुद यूट्यूब के अंदर ये सारे इवेंट्स को प्रमोट करने वाला हूँ। तो आप लोगों को ऑब्वियसली इस टाइप का प्रॉफिट बनाना है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे मैंने एक ऑलरेडी पोस्ट डाल भी दिया है कि इवनिंग तक मैं यहाँ पे बैक टू बैक दो इवेंट देने वाला हूँ जहाँ से टोटल $150 से लेकर $200 का प्रॉफिट हर एक सिंगल बंदे को सिंगल अकाउंट से जाने वाला है। इतना गारंटी देते तो अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो मंथली बेसिस पे आप लोगों को $100 to $200 का इजी प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि इवेंट्स के थ्रू निकलेगा, कोई ईयर ड्रॉप के थ्रू नहीं। ईयर ड्रॉप की बात अलग है, यहाँ पे मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो है नीबिरू चेन। तो नीबिरू चेन के ईयर ड्रॉप को हम लोगों ने ज्वाइन किया है, इनका जो इवेंट ऑलरेडी एंड हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाईबिट ऑफिशियल की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुका है, इनका जो टोकन है वो 12th of March को बाईबिट के अंदर लिस्टिंग होने वाला है। लेकिन अभी तक यहाँ पे ईयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लेमिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया। मे बी हम लोगों को 12th or 11th of March तक हम लोगों को उसके रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो जब भी कोई अनाउंसमेंट मिलेगा आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा सारे इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम के अंदर। एंड यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, जो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नीबिरू चेन के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो आप लोगों को करने के इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके अपने फेस को वेरीफाई कर लेना है। वो किस तरीके से करना है, आप लोगों को सिंपल से इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका चैनल लिस्ट। यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्लिक करेंगे, चैनल लिस्ट हम लोगों को मिल गया। ऊपर आप लोगों को 3 डॉट्स देखने को मिल जाएगा, 3 डॉट्स पे आप लोगों को क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। नीचे आप लोगों को लिंक्ड रोल्स देखने को मिलेगा, लिंक्ड रोल्स पे क्लिक करना है। लाइकली ह्यूमन बोल के यहाँ पे एक बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस बीमारी पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का सेल्फी जो है उसको अपलोड कर देना है। ओके, अगर आप लोगों को यहाँ पे मिसेज ब्राउजर है तो आप लोगों को सिंपल से मिसेज ब्राउजर के सेटिंग में जाके कैमरा की परमिशन को अलाउ करना है। अगर आप लोग गूगल क्रोम के थ्रू करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों का यहाँ पे इजीली फेस जो है वेरीफाई हो जाएगा। फिलहाल मेरा यहाँ पे फेस विदाउट वेरीफाई हुए ही मेरा जो ये रोल है मुझे क्लेम हो चुका है। मे बी मेरा ऑलरेडी मैंने अपने डिस्कॉर्ड के साथ मे बी अपने फेस को वेरीफाई करके रखा था तो मेरा यहाँ पे इंस्टेंटली मुझे ये रोल मिल गया। ओके, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे फेस को वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड फेस वेरीफाई करने के बाद आप लोग सिंपल से जनरल सेक्शन में आके यहाँ पे चेक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आप लोगों को ये वाला रोल मिला है कि नहीं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को डिस्कॉर्ड में आके फेस को वेरीफाई कर लेना है क्योंकि ये वेरीफिकेशन का मैटर है। वेरीफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं इनके एयरड्रॉप को गेट करने से। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अपने सेकंड अपडेट के ऊपर जो ही है OEX का, यानी कि ओपन एक्स का। सो सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपन एक्स प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को एक साथ मैं कवर करने वाला हूँ तो आप लोगों को तोड़ मरोड़ के रीडिंग राइडिंग करके मैं नहीं दिखाने वाला। जितना इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं आप लोगों को सीधे साफ लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ओपन एक्स को लेके 2-4 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला था, यहाँ पे बताया था टेस्ट नेट को ऑब्वियसली आप लोगों को पार्टिसिपेट कर लेना है। अब जो जो बात मैंने पिछले बार प्रीवियस वीडियोस में बताया था वो बात यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो न्यू वाइट पेपर है उसको लॉन्च किया है जस्ट 2 दिन पहले। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको मैं कर लेता हूँ। तो ये आप लोग देते थे हम लोगों को फिलहाल कुछ दिनों पहले तक इनका जो टोकन का सप्लाई है उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी हम लोगों को ये जानने को मिल गया है कि इनका जो टोकन का टोटल सप्लाई होने वाला है वो होने वाला है 10 बिलियन। अभी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग अगर बात कर लेते तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, इनिशियल यानी कि अर्ली कंट्रीब्यूटर के लिए यहाँ पे 10% एलोकेट किया गया है एंड कम्युनिटी एयरड्रॉप के लिए यहाँ पे 20% एलोकेट किया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि हम लोग जो सतोसी कोर के अंदर माइन कर रहे हैं वो 10% के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे साफ साफ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। टोटल सप्लाई 10 बिलियन है
सतोशी कोर के अंदर आप जो एलोवेशन रखा गया है वो 1 बिलियन का रखा गया है। 10 बिलियन का 1 बिलियन बनता है 10%। तो यहाँ पे इन लोगों ने साफ यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये जो अर्ली कंट्रीब्यूटर है वो 10% के कैटेगरी में आता है। तो ये 20% कौन लेगा एंड ये 20% किसको यहाँ पे ईयर ड्रॉप किया जाएगा, इसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि टेस्टनेट को ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करो, टेस्टनेट को परफॉर्म करो। टेस्टनेट के अंदर यहाँ पे KYC वगैरह करना पड़ेगा, आपका जो वॉलेट है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे वेरीफाई हम लोगों को चीज़ें करना पड़ रहा है तो वो तो कोई खाली फोकट का यहाँ पे इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होने वाला है। तो आप लोगों को ऑब्वियसली टेस्टनेट को परफॉर्म कर लेना है। अगर नहीं पता किस तरीके से करना है तो प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर लो, वहाँ पे आप लोग टेस्टनेट को परफॉर्म करो एंड अपना जो वॉलेट है उसको वेरीफाई कर लो। मे भी हम लोगों को इस 20% में से कुछ एलोगेशन मिल जाए इनके ईयर ड्रॉप के थ्रू, एंड इनका जो टेस्टनेट है उसके थ्रू हम लोगों को इनका AGI टोकन का भी ईयर ड्रॉप मिलना है। तो टेस्टनेट को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थर्ड जो चीज़ मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, इनका खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है जो कि यहाँ पे साफ साफ अब फिर से क्लियर हो जाता है। ये आप लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में हम लोग सिंपल से क्लिक करेंगे, मेननेट एंड टेस्टनेट दो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप लोग देखते हैं कोर मेननेट के अंदर इनका एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने वाला है जिसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फिलहाल DBA है, यानी कि टू बी अनाउंस्ड है। इथेरियम मेननेट के अंदर इनका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने वाला है, BSC मेननेट के अंदर इनका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने वाला है, एंड OpenX का खुद का मेननेट यहाँ पे आने वाला है जो कि इन लोगों ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है। तो OpenX का भी अपना खुद का ब्लॉकचेन होने वाला है। तो अभी ये कन्फ्यूजन काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है कि अगर हम लोगों का एलोगेशन जो है वो 10% के अंदर से आता है तो हम लोगों का जो टोकन है वो 4 क्वार्टर तक यहाँ पे लॉक रहने का वाला है अकॉर्डिंग टू OpenX। ये आप लोग देखते हैं इन लोगों ने यहाँ पे पोस्ट भी डाला है इसको लेके, अकॉर्डिंग टू करंट प्रपोजल फ्रॉम दी कम्युनिटी दी फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर दी लॉन्च ऑफ मेननेट दी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ OEX विल बी 350 मिलियन, जो कि काफ़ी कम है। तो प्राइस इसका हम लोग अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि इनका खुद का AI डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आने वाला है। ये जो टोकन है ये OpenX यानी कि अपना जो सतोशी कोर है उसके द्वारा प्रमोटेड है। इनका जो और टोकन है वो काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स के अंदर बिल्ड होने वाला है, यानी कि इंटीग्रेट होने वाला है, इनका खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है। तो इतने कम सप्लाई के साथ हम लोग यहाँ पे इसका जो प्राइस है उसको अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात है दी पोर्शन ऑफ द टोटल टोकन एलोकेटेड टू टीम एंड अर्ली सपोर्टर विल बी कम्प्लीटली लॉक फॉर फर्स्ट 4 क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या हम लोगों का टोकन लॉक होने वाला है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम लोगों का जो माइनिंग वाला टोकन है वो लॉक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, क्योंकि इन लोगों ने ना तो ठीक से क्लियर किया है सारी चीज़ों को, ना तो ठीक मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो कन्फ्यूज़न है काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ओके, तो बाकी एक बंदे ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि अगर आप लोगों को लॉक ही रखना है तो आप लोगों ने क्यों सतोशी कोर के अंदर ये जो माइनिंग है इसको लाया है। तो ये उसके रिप्लाई में इन लोगों ने कहा है इन सतोशी ऐप दी 10% ऑफ फ्यूचर टोटल सप्लाई। यहाँ पे फिर से इन लोगों ने मेंशन कर दिया कि 10% सप्लाई, यानी कि जो कि अर्ली कंट्रीब्यूटर के लिए एलोकेट किया गया है। ओके, 10% ऑफ फ्यूचर टोटल सप्लाई ऑफ OVX टोकन विल बी ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, विड्रॉ ऑफ सतोशी ऐप आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। यानी कि जो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं उसका विड्रॉ यहाँ पे मार्च से लेके अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन किस तरीके से होगा उसको अभी तक इन लोगों ने क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे फिलहाल बना ही है। तो इस चीज़ को लेके आगे जाके हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का कोई फर्दर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह आता है कि नहीं, तो वो हम लोग फ्यूचर में जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल इनका जो मेननेट है वो मार्च से लेके अप्रैल के अंदर लॉन्च होने वाला है, इतना हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। एंड टेस्टनेट को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे X कॉइन को लेके। यहाँ पे X कॉइन का जो अपडेट है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर बता दिया था कि आप लोगों को सिर्फ माइनिंग नहीं करना है, यहाँ पे डेली चेकिंग भी करना है, एंड डेली चेकिंग के बदले में आप लोगों को पास कार्ड मिलेगा। अभी इनका जो यहाँ पे कन्वर्सन है, जो हम लोग X कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं वो X प्लस टोकन में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने 50 टोकन को कन्वर्ट कर लिया है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम वाले अपडेट को मिस कर दिया था तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को चेक कर लेना, एंड जो लोग यहाँ पे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन लोगों का माइनिंग अभी भी चल रहा है लेकिन ख़त्म काफ़ी जल्द होने वाला है। एंड अगर आप लोग चाहते तो सतोशी कोर को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि OpenX का माइनिंग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सतोशी कोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे OpenX का माइनिंग ख़त्म होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए यहाँ OpenX के अंदर आप मतलब सतोशी कोर के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से करना क्या है, आप लोगों को जब आप लोग यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को सिंपल से वॉलेट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे मैं रिडीम X प्लस कॉइन पे क्लिक करूँगा तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक NFT जैसा टाइप का मुझे कुछ मिला है। यहाँ पे आप लोगों को डेली चेकिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल से आप लोगों को डेली चेकिंग पे क्लिक करना है। ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला चेकिंग मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे मैंने लगभग हर एक टीम को यहाँ पे चेक किया है। ओके,
इसको आप लोगों को हर दिन जब आप लोग यहाँ पे माइनिंग करेंगे डेली बेसिस पे आप लोगों को एक बार आके यहाँ पे चेक इन कर लेना है। चेक इन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों का कुछ फी लगता है जो कि नेटवर्क फी होता है, वो चाहे तो आप लोग आर्बिट्रम के थ्रू प्रोवाइड कर सकते या फिर आप लोग पॉलीगॉन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आप लोगों को यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है, यहाँ पर वॉलेट पर सिंपल से आना है आप लोगों को। वॉलेट पर आने के बाद मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन भी डिपॉजिट करके रखा है एंड आर्बिट्रम भी मैंने यहाँ पे डिपॉजिट करके रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे चेकिंग जो करता हूँ वो पॉलीगॉन के थ्रू करता हूँ, क्योंकि आर्बिट्रम में फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन पॉलीगॉन में फ़ी जो है वो मिनिमम सा लगता है, जो कि 1 रुपये का भी यहाँ पर फ़ी नहीं कर लगता है। ओके, तो आप लोगों सिंपल से पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है, वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है, यहाँ पर कुछ $1-2 का पॉलीगॉन हो सके तो आप लोग यहाँ पर डिपॉजिट करें। ओके, एंड उसके बाद आप लोगों को डेली चेक इन करना है, बस आप लोगों का गैस फी जो होता है वो कटने वाला है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर डेली चेक इन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों क्या यहाँ पे ये NFT जो है ये मिलने वाला है, ये पास कार्ड मिलने वाला है। तो सिंपल सा आप लोगों को पास कार्ड जो है वो मंथली बेसिस पे आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं, 1 दिन अगर आप लोगों ने चेक इन किया तो ये वाला पास कार्ड मिलेगा, 3 दिन अगर किया तो ये वाला पास कार्ड मिलेगा। हालाँकि मेरा यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इरर चल रहा है तो आप लोगों को पेज इस टाइप का देखने को मिल रहा है। ओके, 7 डेज अगर आप लोगों ने किया तो ये वाला पास कार्ड मिलेगा, एंड हर एक पास कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये डिसाइड होगा कि आप लोग दिन का कितना टोकन जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे रिडीम X+ कॉइन पे क्लिक करूँ एंड रिडीम कॉइन पे क्लिक करूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे डेली का 5,000 कॉइन को रिडीम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5,000 लिखता हूँ, 5,000 लिखने के बाद मेरा टोटल जो अमाउंट रिडीम होगा वो 50 टोकन होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल से रिडीम पे क्लिक करूँगा एंड रिडीम जो मेरा रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये जब वेरीफाई हो जाएगा तो मेरा ये जो वॉलेट है इसके अंदर मेरा ये जो रिडीम अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, एंड ये जो टोकन है जब लिस्ट होगा इसको आप लोग इंस्टेंटली विड्रॉ करके अपना सेल वगैरह करके यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो X+ को लेके कुछ इतना ही अपडेट था। आप लोगों को डेली चेक इन ऑब्वियसली यहाँ पे कर लेना है अगर आप लोगों को आपका टोकन जो है उसको रिडीम करना है। इनका जो टोकन है वो काफ़ी जल्द यहाँ पर लिस्ट होने वाला है। तो लास्ट में जिस प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है ओवर वॉलेट। तो ओवर वॉलेट के अंदर जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह को माइन करें तो आप लोगों को ऑब्वियसली अपडेट को फॉलो कर लेना है, अदरवाइज आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो वैनिश हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे डेली चेक इन वगैरह करते हैं। ये जो आप लोग देख सकते डेली चेक इन करके हम लोगों ने पॉइंट्स बनाया, उसके बाद हम लोग क्विज़ वगैरह प्ले करते। तो यहाँ पर क्विज़ एंड डेली क्विज़ का जो सिस्टम है वो 11th of March से यहाँ पर एंड होने वाला है। तो इस 11th of March के बाद से हम लोगों को क्विज़ प्ले करने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे जो अपडेट है वो 10th of March तक आप लोग जितने भी यहाँ पे स्टेक वगैरह करते अपने पॉइंट्स को यहाँ पे आप लोग देख सकते। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स को मैंने स्टेक करके रखा है। ओके, तो जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने स्टेक करके रखा है उसका यहाँ पर आप लोगों को क्लेम्ड यानी कि आप लोगों को रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है। इस वाले रिवॉर्ड पोर्शन को आप लोगों को ऑब्वियसली बिफोर 10th of March आप लोगों को इसको क्लेम कर लेना है। अगर आप लोगों ने किसी को इनवाइट वगैरह किया है तो आप लोगों को आपका जो फ्रेंड कार्ड है उसको बिफोर 10th of March उसको भी आप लोगों को क्लेम कर लेना है, यानी कि जितने भी क्लेमेबल आइटम हैं आप लोगों के ओवर वॉलेट के अंदर उसको आप लोगों को क्लेम करके ओवर वॉलेट को नीट एंड क्लीन कर लेना है। एंड हो सके तो जितने आपका अमाउंट आप लोगों का यहाँ पे स्टेक पे लगा हुआ है इसको आप लोग अनस्टेक कर देना है, क्योंकि 13th of March के बाद से यहाँ पर इनका अपडेट आने वाला है, OBD Season 2 टेस्टनेट लाइव होने वाला है, जहाँ पे वो हम लोगों को फिलहाल तो पता नहीं कि OBD Season 2 को किस तरीके से परफॉर्म करना है, लेकिन वो हम लोगों को बाद में मालूम पड़ेगा जिसका जब अपडेट वगैरह आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि 10th of March से पहले जितने भी चीज़ आप लोगों के ओवर वॉलेट के अंदर क्लेम करने लायक है उसको आप लोग क्लेम कर लेना है। जितने भी टोकन आप लोगों ने यानी कि पॉइंट्स आप लोगों ने ओवर वॉलेट के अंदर स्टेक कर लगा के रखा है उसको आप लोगों को बिफोर 10th of March अनस्टेक करके आप लोगों के वॉलेट के अंदर ले लेना है। ओके, तो इसको आप लोगों को भूल कर भी मिस नहीं करना है। तो ओवर वॉलेट का बस अभी के लिए इतना ही अपडेट मैं आप लोगों को कवर करता हूँ। बाद में जब इसका OBD Season 2 लाइव होगा तो उसको लेके हम लोग पर्टिकुलरली कुछ सब वीडियो हम लोग बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। होपफुली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नीचे टेलीग्राम का चैनल लिंक है, आप लोग टेलीग्राम में भी मस्ट ज्वाइन कर लो। ओके।